दुनिया का ऐसा मात्र मंदिर है ग्रहण में भी बंद नहीं होता। आज का एपिसोड दक्षिण भारत के सबसे रहस्यमय शक्तिशाली मंदिर पर, यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग जो कोर आकार में है, यहाँ के पुजारी भी इस शिवलिंग को छू नहीं सकते और ये भगवान शिव के उन चुनिंदा तीर्थ स्थानों में से है। यहाँ पर भगवान शिव ने मकड़ी, हाथी और सर्प की भक्ति से खुश होकर अपने आप को स्थापित किया है। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय मंदिरों की इस तीर्थ यात्रा पर आज हम आप पहुंचे हैं दक्षिण के श्री कालहस्ती मंदिर में। एक ऐसा रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर है जो पूरे विश्व में ग्रहण के समय में भी बंद नहीं होता। तिरुपति बालाजी से इस मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है। अगर आप तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस समय श्री कालहस्ती मंदिर में एक बार जरूर आएं। तिरुपति से आना है तो एनी टाइम 5 मिनट का 10 मिनट का एक बस से, अगर ट्रेन भी है, बस में एक्सप्रेस में 60 रुपये पड़ता है, ऑर्डिनरी में 40 रुपये पड़ता है। तिरुपति एयरपोर्ट का 25 किलोमीटर श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती मंदिर में मुख्यतः भगवान शंकर की पूजा की जाती है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो भी बाकी शंकर भगवान के शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले अंदर जाके भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और उसके बाद इस मंदिर के इतिहास और विशेषताओं की एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। दक्षिण भारत में भगवान शंकर के जो पंच तत्व लिंग माने जाते हैं उनमें से कालहस्ती में वायु तत्व लिंग है। इनमें से कांचीपुरम में हमने आपको जो पृथ्वी तत्व लिंग था कंबरनाथ मंदिर, उसके दर्शन करवाए थे। दक्षिण भारत के ये पांचों शिव मंदिर मानव शरीर के 5 तत्वों में से एक तत्व को दर्शाते हैं। चिदम्बरम में नटराज शिव मंदिर काश को दर्शाता है। तिरुवनकेवल में जम्बुकेश्वर शिव मंदिर पानी तत्व को दर्शाता है। तिरुवन्नमलई में शिव मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक है और श्री कालहस्ती में वायु तत्व लिंग है। और श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह के मुख्य स्थान पर भगवान शंकर की लिंग मूर्ति के दर्शन होंगे। ये वायु तत्व लिंग है, अतः पुजारी भी इसका स्पर्श नहीं करते। मूर्ति के पास ही आपको जो स्वर्ण पट हैं वो स्थापित हैं, उसी पर माला आदि चढ़ाई जाती है तथा पूजा भी वहीं पर होती है। और अंदर आपको जो वायुलिंग के दर्शन होंगे वो आपको चौकोर रूप के दर्शन होंगे यहाँ पर शिवलिंग के, और जो दर्शन आपको होंगे वो एक दीपक की रोशनी में ही होंगे। इस मूर्ति में आपको मकड़ी, सर्प के फन तथा हाथी के दांतों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देंगे। कहा जाता है कि सर्वप्रथम मकड़ी, सर्प तथा हाथी ने यहाँ भगवान शंकर की आराधना की थी। भगवान शिव के इस वायुलिंग के साथ एक और रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है और वो है कि यहाँ पर भगवान शिव को श्री कालहस्ती मंदिर क्यों कहा जाता है। श्री यानी मकड़ी, काल सर्प और हस्ती यानी कि हाथी। कहते हैं कि यहाँ पर हाथी, मकड़ी और सर्प ने भगवान शिव की पूजा आराधना की थी। तो भगवान शिव ने यहाँ पर मकड़ी, सर्प और हाथी को खुश होकर दर्शन दिए और तब से इस मंदिर का जो नाम है श्री कालहस्ती मंदिर पड़ गया। मुख्यतः पूरी दुनिया से इस मंदिर में लोग राहु और केतु की पूजा करवाने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे राहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राहु और केतु ही ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के समय डसते हैं। चूंकि भारत के श्री कालहस्ती मंदिर में राहु और केतु की पूजा की जाती है, सो इसीलिए एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दुनिया में ग्रहण के समय में भी बंद नहीं होता। और राहु और केतु की पूजा का विधान है, यहाँ पर अलग अलग शुल्क है, 250 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 3,000 तक, 4,000 तक भी है। विधि विधान वही रहता है, केवल मंडप बदले जाते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ शुल्क लिया जाता है। राहु केतु सर्पदोष निवारण, यानी किसी का शादी नहीं होना, वो आके पूजा ज़्यादा करता है। पूजा 1 घंटा होता है लेकिन 100% सक्सेस होता है, 100% सक्सेस। 500 से शुरू होता है, 500, 750, 1500, 2000, 5000, यानी प्लेस चेंज होता है। पूजा के विधान सब एक ही है, 5000 लेना एक ही है, 500 लेना एक ही विधान है, लेकिन 2000, 5000 में अंदर होता है थोड़ा। कालहस्तीश्वर मंदिर के अग्नि कोण में चट्टान काट काट कर बनाया हुआ एक मंडप है जिसे मणिगणीय गट्टम कहते हैं। इस नाम की एक वक्ता हुई है जिनके दाहिने कान में मृत्यु के समय भगवान शंकर ने तारक मंत्र फूका था, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान विश्वनाथ काशी में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तारक मंत्र देते हैं। उन्हीं भक्त महिला के नाम से ये मंडप विख्यात है और आज भी श्रद्धालु लोग अपने मरण आसन संबंधियों को यहाँ लाकर दाहिनी करवट कर इस तरह लिटा देते हैं जिससे उनका दाहिना कान पृथ्वी पर टिक जाए और उनके दाहिने कान के छिद्र में से प्राण पखेरु उड़ जाएं।
और बनारस के संबंध में भी ऐसी ही मान्यता है और इसीलिए श्री कालहस्तीश्वर मंदिर को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यह मंदिर स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। श्री कालहस्ती में भगवान शिव वायुलिंग के रूप में जो स्थापित हुए हैं उसका जो पुरानिक इतिहास है वो वायु देवता से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने स्वर्णमुखी नदी के पास भगवान शिव की तपस्या की थी। वायु देवता ने यहाँ पर भगवान शिव के कर्पूर लिंग की आराधना की थी। भगवान शिव ने वायु देवता को 3 वरदान दिए। उनमें से पहला वरदान था कि पूरी सृष्टि में आप वायु के रूप में विद्यमान रहोगे हर एक जीव के अंदर, और दूसरा वरदान था कि आपके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, तीसरा और अंतिम वरदान था कि कर्पूर लिंगम को अब से वायु लिंगम के रूप में पूजा जाएगा। भगवान शिव की ये तीर्थस्थली इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत से भक्तों ने तपस्या की है। ये मंदिर एक पहाड़ी के नीचे स्थित है, उस पहाड़ी का जो नाम है कैलाशगिरी है, और नंदीश्वर भगवान ने कैलाश के जो 3 शिखर पृथ्वी पर स्थापित किए हैं उन्हीं में से ये एक पहाड़ी है। और कल्याण तीर्थांक के अनुसार इसी पहाड़ी पर धनुर्धारी अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शंकर से पशुपत शास्त्र प्राप्त किया था। जो पहाड़ी पर ऊपर शिवलिंग स्थापित है वे अर्जुन के द्वारा प्रतिष्ठित है। पंच महाभूतों में से एक महाभूत इस वायुलिंगम का जो इतिहास है वो भक्त कनप्पा के साथ भी जुड़ा जाता है। भक्त कनप्पा को दक्षिण भारत में धनुर्धारी अर्जुन का अवतार माना जाता है और वो दूर ऊंची पहाड़ी पर भक्त कनप्पा का मंदिर स्थापित है। भक्त कनप्पा महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उन्होंने महादेव के उस लिंग की रक्षा के लिए अपनी दोनों आंखें दान दे दी थी। एक समय में महादेव ने अपने भक्त कनप्पा की भक्ति परीक्षा लेने के लिए धरती में हलचल शुरू कर दी। भक्त कनप्पा एक बील थे जिनका वास्तविक नाम नील था। वो भगवान शिव के भक्त थे। एक बार जब वो जंगल से वापस लौट कर आए तो उन्होंने यहाँ पर जो भगवान शिव का लिंग है उसके नेत्र से रक्त धारा बहते हुए देखी। को याद आया कि मनुष्य के घाव पर मनुष्य का ताजा चमड़ा लगा देने से घाव शीघ्र भर जाता है। उसने बिना हिचकिचाए बाण की नोक घुसाकर अपनी एक आंख निकाल ली और मूर्ति के नेत्र पर रखकर उसे दबा दिया। मूर्ति के नेत्र से रक्त आना बंद हो गया। फिर नील ने सहसा ही देखा कि मूर्ति के दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा है, तो नील ने मूर्ति के उस नेत्र पर अपने पैर का अंगूठा रखा जिससे दूसरा नेत्र निकाल लेने पर अंधा होकर भी उस स्थान को वे पा सके। बाण की नोक उसने अपने दूसरे नेत्र में जिस तरह से लगाई तो भगवान शंकर ने साक्षात उसे दर्शन दे दिए और अपने साथ शिवलोक ले गए, और तब से ही भक्त नील का नाम कनप हुआ। कनप को तमिल में नेत्र कहते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में ही जो अन्य मुख्य मंदिर है वो गणेश जी और माँ पार्वती का है। माँ पार्वती को यहाँ पर ज्ञान प्रासु कहते हैं। श्रीकालहस्ती वायुलिंगेश्वर साथ ज्ञान प्रसु नाम का माँ स्वामी का पूजा होने का बाद दर्शन होने का बाद माँ का दर्शन करके फिर पहले पाताल गणेश यानी मंदिर का अंदर है, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। 5 आदमी जाके दर्शन करके 5 आदमी ऊपर आए तो और 5 आदमी का नीचे जाने का एंट्रेंस है। मंदिर परिसर में ही आपको प्रसाद भी मिलता है। प्रसाद में 15 रुपए का छोटा देसी घी का लड्डू, इमली के चावल जिसे यहाँ पर पुलियोरा कहा जाता है, और वड़े दिए जाते हैं। तो ये प्रसाद हमने ले लिया, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये लड्डू लिया हमने, साथ में हमने जो यहाँ पर पुलियोरा जिसे कहा जाता है वो लिया है। और ये देखिए जो कालहस्ती मंदिर में अन्न प्रसाद में जो मिलता है 100 रुपए का लड्डू है, ये लगभग आधा किलो से ऊपर का होगा। ये ड्राई फ्रूट दिख रहा है इसमें, इलायची दिख रही है बहुत ज्यादा, और देसी घी में इसका वो बनाया जाता है। प्रसाद काउंटर के सामने ही निशुल्क अन्न प्रसादम की भी व्यवस्था है। यहाँ पर 11 से 2 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क अन्न प्रसाद मिलता है। श्री कालहस्ती वैसे तो एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन मंदिर यहाँ पर होने की वजह से काफी विकसित है। यहाँ पर खाने के लिए आपको बहुत अच्छी दक्षिण भारतीय जो व्यंजन है वो भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर रहने के लिए भी आपको 600 से लेकर 1000 रुपए के बीच में बहुत बढ़िया कमरे मिल जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मंदिर के बिल्कुल साथ में पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। जो मंदिर का आज का आपको निर्माण कला दिख रही है ये कृष्ण देवदाय द्वारा 16वीं शताब्दी में जो 1000 मंडपम का निर्माण किया गया था। इससे पहले जो मुख्य मंदिर था पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था। भगवान शंकर के श्री कालहस्तीश्वर के दर्शन,
अगर इस मंदिर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए या राहु पूजा के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। ओम श्री कालहस्ती आय नमः।